समझ लीजिए आपके बंगले में घुस आए हैं चोर, आपको लग गया है डर, ऐसे में बचाओ बचाओ चिल्ला के कुछ हो तो नहीं रहा है, तो आप करते हो नेबर्स को फोन। अभी नेबर्स के घर में सब तो सख्त लौंडे तो नहीं रहेंगे, तो पूरे नेबर्स के फैमिली को फिल्टर करके एक जवान बच्चा रहता है। एक जवान बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता, तो नेबर्स बाकी सारे मोहल्ले के बच्चों को फिल्टर करके उसमें से जो जवान बच्चे उनको इकट्ठा करके आपके घर पे ढाबा बोल देते हैं। वो बच्चे आपके घर में घुस के आपके चोरों को भगा देते हैं और आपको इस दुविधा से मुक्त कर देते हैं। तो कैसी लगी कहानी? इस कहानी में आपका घर जो था वो है आपकी बॉडी, और आए थे चोर वो है कोरोना। आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे, तो बाजू का बॉडी है, दूसरे जो लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका है उनका ब्लड फिल्टर करके जो जवान बच्चे हैं जो है प्लाज्मा जिसमें है एंटीबॉडीज, और वो बच्चे आके घर पे मतलब अपने बॉडी में आके धावा बोल के कोरोना को भगा देते हैं। इजी है यार। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर जोशी इस नई सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, जो हमारा ब्लड जो लिक्विड है वो प्लाज्मा की वजह से बना हुआ है। अभी प्लाज्मा में 90% वाटर और 10% मीट, मिर्ची, मसाला, नींबू, पानी, प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज, यही कोविड रिकॉर्ड बनेगा। प्लाज्मा अगर आपके बॉडी में दिया जाएगा तो उसके एंटीबॉडीज आपके अगेंस्ट वर्क करेंगे। अभी प्लाज्मा दे कौन सकता है यार? वो लोग जो 18-65 एज ग्रुप में है, जिनका कोविड होके 28 दिन होके रिकवर हो चुके हैं, 55 के अबाउ वेट है, 12 से ऊपर एज भी है, प्रेगनेंसी नॉट अलाउड, प्रेगनेंट लेडीज नॉट अलाउड, उसके बाद कोई डायबिटीज नहीं है, HIV इंफेक्शियस डिजीज या कंजनाइटल डिजीज नहीं है, वो जिनको खुद से प्लाज्मा दिया गया हो वो भी ना 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 ना, और वैक्सीनेशन के 28 दिन पहले ही प्लाज्मा दे सकते हैं, वही लोग ये प्लाज्मा देने के हकदार। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिनके अंदर ज्यादा एंटीबॉडीज है भाई, इस हिसाब से देखा जाए तो अरेंज मैरिज के लिए लड़का इजिली मिल जाएगा, लेकिन प्लाज्मा डोनर डिफिकल्ट हो जाता है। कहते हैं 10 में से सिर्फ 3 लोग ही ऐसे में प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से हर एक व्यक्ति 3 लोगों की जान बचा सकता है। मैच करेंगे तो हर 3 बंदे 3-3 दिन या 9 लोगों को तो बचा ही लेते हैं, और वही प्लाज्मा एक बार डोनेट करने के बाद 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। अभी 1 मई से हम सब जवान बच्चों का वैक्सीनेशन चालू होने वाला है, तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि एक तो यार ब्लड डोनेट कीजिए, उसमें से ही प्लाज्मा सेपरेट कर लेंगे, और सेकेंडरीली अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हो तो प्लीज अपना प्लाज्मा डोनेट करके रख दीजिए। प्लाज्मा डोनेट कैसे करेंगे? needplasma.in पे जाइए यार, सब लिखा हुआ है, बस फॉर्म फिल कर दीजिए और फिर जब जरूरत पड़ेगी तब आपको बुला लिया जाएगा। आप बोलोगे भाई वैसे प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, चलेगा नहीं चलेगा इसका कुछ गारंटी नहीं है। भाई वैसे कोविड में तो कोई चीज की अभी तक 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही चल रहा है। लेकिन एक हाथ संडे के दिन आपके पिताजी अगर किचन में जाके बहुत तोड़फोड़ खाना बनाते हैं ना, तो ये प्रोबेबिलिटी से तो प्लाज्मा कई ज्यादा गुना वर्किंग है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।